तो भैया जी एक बार फिर आ चुके हैं हम सूरज टेक्नोलॉजी पे सूरज भैया के साथ, और बहुत ज़्यादा बजट होने वाला है आज गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, मतलब कुछ भी करना है ना, सबका पीसी, सबका सीपीयू आज आपको बताने वाले हैं हमारे सूरज भैया जी। हाँ। सूरज भैया जी शुरू कहाँ से करने वाले हैं आप? आज की वीडियो में हम स्टार्ट गेमिंग पीसीज थोड़े हाई एंड के दिखाने वाले हैं, लाइक हाई एंड गेमिंग एंड हाई एंड रेंडरिंग के सिस्टम। 70,000 से स्टार्टिंग करेंगे, ऑल द वे अप टू 2.5-3 लाख तक जाएंगे इसमें। तो भैया जी मतलब जो भी आपका बजट है, हाँ, 3 लाख तक 70,000 के बीच में आपको हर तरीके का हर ऑप्शन मिलेगा, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, रेंडरिंग, गेमिंग, कुछ भी करना चाहते हैं तो हाई एंड सिस्टम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। स्टार्टिंग 70,000 से करेंगे। तो पहला सिस्टम जो है ये है i9 10th generation का सिस्टम। i9 10th है, 16GB रैम है, 5GB NVMe है, Z490 मदरबोर्ड है, एनजेरेस्टी का लिक्विड कूलर है, ग्राफिक कार्ड अभी इसमें कोई सा भी नहीं रखा है हमने, ये विदाउट ग्राफिक कार्ड सिस्टम जो है 68,000 का पड़ रहा है। अगर इसमें कोई से भी ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं 1050 Ti 1660 सुपर, क्योंकि ये जो सिस्टम है अप टू 3080 तक की परफॉर्मेंस को ईजिली कवर अप कर लेगा, तो ग्राफिक कार्ड अभी इसमें कोई नहीं लगाया, 68,000 का सिर्फ सिस्टम है, ग्राफिक कार्ड अपने हिसाब से आप लगवा सकते हैं, जो भी कस्टमर की डिमांड पे जो भी लगाना चाहे, जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, 1050 Ti से लेकर 3080 3090 कुछ भी लगा लीजिए। तो बेसिकली एग्जांपल 1050 Ti लगाएं तो कितना प्राइस हो जाएगा इसका? 13-14,000 सेकंड हैंड में 1050 Ti अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप 14,000 रुपए इसमें ऐड कर लीजिए, 68 + 14 आपका कितना होता है, जो भी मतलब आप जोड़ लीजिएगा 82 के आसपास, 81 से 82, इतने में आपको पूरा सिस्टम बन जाएगा विद गेमिंग, हाई एंड एडिटिंग, हाई एंड रेंडरिंग, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, आई9 का 10th जनरेशन लगा हुआ है, उसमें सारी चीजें 8GB मिलती है आपको। हाँ जी, प्रॉपर लिक्विड कूलिंग मिलती है, प्रॉपर ARGB सिस्टम है, लिक्विड कूलिंग के साथ है, सारे मेरे जो भी सब यहां पे दिख पा रहे हैं गाइस, RGB रैम, सारी चीजें। हां, रैम भी इसमें 3600 MHz की लगी हुई है, पावर सप्लाई भी कूलर मास्टर की 750 वोल्ट लगी हुई है, तो अच्छा सिस्टम है। इसी के सेम प्राइस में मिलता जुलता अगर राइजन में किसी को जाना है तो ये राइजन 7 3700X के साथ वाइट थीम बिल्ड पीसी है ये। इसमें अगर आप देखेंगे सारे कॉर्सर के LL120 फैंस लगे हैं, सिल्वर स्टोन का कूलर है वाइट कलर में, गीगाबाइट का बोर्ड है, X570 ऑरस 3700X है, विदाउट ग्राफिक कार्ड ये भी सिस्टम है, क्योंकि हाई एंड है तो ग्राफिक कार्ड ऑफकोर्स इसमें कोई हाई एंड ही लगाया जाएगा, तो वो कस्टमर के डिमांड के ऊपर ग्राफिक कार्ड में आपको चॉइस है जो लगवाना चाहे। हाँ, विदाउट ग्राफिक कार्ड ये वाला सिस्टम जो आपको पड़ रहा है 80,000 के आसपास का है, प्रॉपर वाइट बिल्ड कॉर्सर की कैबिनेट है, 465X कैबिनेट इसका मॉडल है। तो मेरे भैया जी देख पा रहे हैं काफी बढ़िया एकदम चमचमाता हुआ है सफेद कलर में, ये चांद की मुखौटे जैसा मस्त एकदम। इसके अलावा अगर आप एक और सिस्टम देखना चाहेंगे इंटेल में, तो 65,000 का ये i9 9th का सिस्टम है, बट ग्राफिक कार्ड इसमें भी नहीं है, बट इसमें ये पूरा कूलर मास्टर के ऊपर बेस्ड है, कूलर मास्टर के सारे फैंस है, प्रॉपर सिंग है, डीप कूल का कूलर है, ARGB सेटअप है प्रॉपर, 65,000 का सिस्टम है, ग्राफिक कार्ड अपने अकॉर्डिंग 1050 Ti से लेकर इसमें आप 2080 Ti 3060 Ti ये सब लगा सकते हैं इसके अंदर। और भैया इन सबके RGB फैंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ सिंक, सब कुछ आप बोर्ड से सिंक कर सकते हैं, रैम के फैन, कलर लाइट्स, कूलर के लाइट्स, फैन के लाइट्स, सब कुछ प्रॉपर सिंक है, बंद करना चाहे किसी भी कलर पे सेट करना चाहे वो सब कुछ ऑप्शन इसमें है, हाई एंड कैबिनेट तो ऑप्शन मिलता है, सारे मेरे जो भी सिस्टम होंगे सब प्रॉपर सिंक होंगे, सब में आपको ऑप्शन मिलेगा कलर वगैरह चेंज करने का। इसके बाद चलते हैं राइजन में ही एक कॉम्पैक्ट बिल्ड एनजेलेक्सी H510 एलीट के साथ, इसमें भी 3700X है, बट हाँ ये इन टर्म्स ऑफ लुक ये काफ़ी डेलीगेंट पीसी है, कि आप देखेंगे एनजेलेक्सी कैबिनेट है और SSD भी इसमें हमने ARGB लगाई हुई है, कूलर भी ARGB है और थोड़ा सा ये टेम्पर्ड ग्लास भी ब्लैक शेड के साथ आता है, हाँ, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, तो वो इसके साथ जा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं थोड़ा और हाई एंड सिस्टम में, ये है राइजन 7 3700X, इसमें भी बट इसमें आप लगाने को चाहे 3900X लगा सकते हैं, 59 लगा सकते हैं, 58 लगा सकते हैं, बोर्ड X570 टॉमहॉक है, लियनली की कैबिनेट है, इस तरह का बिल्ड हाई एंड अगर आपको कराना है तो ये भी अवेलेबल है। राइट नाउ इस बिल्ड की जो कॉस्टिंग है वो 90,000 है, कार्ड आप अपने हिसाब से कोई सा भी इसमें लगा सकते हैं, बेसिकली सारे कार्ड सपोर्ट करेंगे, हाँ, जो भी लगाना चाहे। इस तरह की कैबिनेट्स का बेनिफिट ये है कि इनमें बहुत अच्छा एयर फ्लो होता है, कि आप हाई एंड से हैंड कार्ड लगाएं, इसमें हीटिंग में कोई इशू नहीं, आप देख पाएंगे कितना साइज में कितना बड़ा, ये अभी देखो और ये नॉर्मल देखो, मदरबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टम आपको 90,000 का पड़ रहा है, आप इसमें अगर एक ग्राफिक कार्ड लाना चाहे 3060 Ti जो कि आपको 75,000 से 80,000 में अभी मिल जाएगा, तो 1.5 लाख तक का सिस्टम ये काफी पावरफुल अच्छा सिस्टम बन सकता है 1.5 लाख रुपए। और भैया इन सब की अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी का क्या हिसाब किताब है? 2.5 इयर्स की वारंटी हर एक कंपोनेंट पे, कार्ड आप जो भी लगाएंगे उसके ऊपर वारंटी डिपेंड करती है, राइट नाउ इसमें कार्ड की प्राइसिंग इंक्लूडेड नहीं है। ओके, और ये सारे सिस्टम पे हमारी वारंटी मिलती है सब पे? इस वाले पे 3 साल है, इस वाले पे 2 साल है, और ये पूरा 3 साल वारंटी में है, ये 2 साल वारंटी में है, तो सिस्टम आप मेरे से कोई सा भी लेंगे, ये सब चीजें एकदम अभी लेटेस्ट है, ये आउट ऑफ वारंटी हुई नहीं है, सब वारंटी में है। और ग्राफिक कार्ड लगवाएंगे सभी ग्राफिक कार्ड पे 1 ईयर के वारंटी, पुराने लगाएंगे तो 1 ईयर, नए लगाएंगे तो 3 इयर्स, मतलब 1 ईयर के वारंटी तो मिलना मिलना ही है। हाँ जी,
एक अपना ये हाई एंड सिस्टम भी आपको दिखाते हैं, इसमें ये काफी हाई एंड है, लाइक टॉप नॉच सिस्टम है ये। 3 लाख इसकी कॉस्टिंग है, इसमें राइजन 9 के 5950X लगा हुआ है, 6900X 16GB का ग्राफिक कार्ड है। इस सिस्टम की कॉस्टिंग 3 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें भी कॉर्सर L120 फैंस है, लियनली का कूलर है। तो इस तरह का सिस्टम भी अगर जाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं। इसमें से भी अगर कस्टमाइज करना चाहे, कार्ड निकलवाना चाहे, दूसरा लगवाना चाहे, तो वो भी पॉसिबल है। तो बेसिकली भैया इस टाइम इसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा, आपने बताया 3 लाख की इसकी प्राइसिंग है, 6900X ग्राफिक कार्ड है। इस ग्राफिक कार्ड की कॉस्टिंग आसूस का टफ है ये वेरिएंट, राइट नाउ उसकी कॉस्टिंग 1,40,000 से 1,60,000 के बीच में है, ट्रिपल फैन के साथ की कॉस्टिंग। हाँ जी, बेसिकली इसमें RGB फैन भी आता है या फिर सिर्फ नॉर्मल? नहीं, इसमें कार्ड्स में फैंस नॉर्मल आते हैं, बाकी कार्ड्स RGB हर तरह के आते हैं, जो सभी लगवाना चाहे लग सकता है। लिक्विड कूलिंग आपको सभी में लिक्विड कूलिंग? हाँ जी, क्योंकि हाई एंड सिस्टम बिना लिक्विड कूलिंग के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हीट अप करते हैं प्रोसेसर, परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मतलब इन सभी गेमिंग पीसी में जो आपने बताया यहाँ पे, सब पे हम हाई एंड गेमिंग, हाई एंड 4K एडिटिंग, अगर पूछूं भैया आपसे 4K एडिटिंग के लिए, ऑफ कोर्स ये सब सिस्टम पे अगर ग्राफिक कार्ड को अच्छा से लगा सके तो 4K एडिटिंग सब पे पॉसिबल है। सारे के सारे सिस्टम एकदम हाई एंड है, सिर्फ डिफरेंस कि आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाना है, एकदम पावरफुल सिस्टम है ये ऑलरेडी रेडी, सिर्फ आपको ग्राफिक कार्ड इसमें अपने चॉइस का लगाना है एंड रेडी टू गो है ये। ओके भैया जी, सब पे का प्राइस ही बता दीजिए आप, ऊपर सारी चीजें। ये वाला 68 का है, आप देख लीजिए स्पेसिफिकेशन विद प्राइसिंग। ये वाला आपका 80 के आसपास है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये 65,000 का है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। ये विद ग्राफिक कार्ड आपका 78,000 का है, इसमें 1050 Ti लगा हुआ है। ये 78,000 का विद ग्राफिक कार्ड, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस है। इसकी स्पेसिफिकेशन ये सामने लिखी हुई है, ग्राफिक कार्ड आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताई दिया था कि 5950X है, 32GB की रैम है और 6900X है, बाकी SSD वो सब स्टैंडर्ड है, सब में 1TB 512GB सब होएगा ही होएगा। तो ये यहाँ पे भैया जी हमारे फादर साहब बैठे हैं और सारे इनके पीछे की जनरेशन चली आ रही है जी। जस्ट एग्जांपल, मतलब यहाँ पे आप 3 लाख तक का अगर लेना चाहें तो ये मेरे ख्याल सबसे बढ़िया CPU रहेगा, कैबिनेट रहेगा, ग्राफिक कार्ड सबसे मस्त रहेगा। सबसे अगर बढ़िया ग्राफिक कार्ड इसमें लगाए 3 लाख के रेंज में अगर बात करें तो 3090 लगा सकते हैं आप। जो राइट नाउ का टॉप मोस्ट कार्ड है वो 3090 है। 3090 इस टाइम पे जो है वो आपका 2.25 लाख के आसपास का चल रहा है। तो इस सिस्टम की जो कॉस्टिंग है वो 4.5 लाख तक चली जाएगी अगर इसमें 3090 अगर लगाएंगे तो। मतलब 3 लाख में अगर किसी का बजट है तो अगर सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड अगर तो पुराना बोले, पुराना जो आपके पास अवेलेबल 30 सीरीज के कार्ड्स पुराने में अवेलेबल, थोड़ा सा टाइम लग सकता है अभी कि 30 सीरीज के होते हैं, ये नहीं कहूँगा कि नहीं होते हैं। हाँ, अपने 3090 भी कभी कभी सेकंड हैंड में अवेलेबल होता है, तो वो डिपेंड करता है कि कब किसके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। और भैया के पास है सारे ग्राफिक कार्ड, सारे कैबिनेट, सारे सब कुछ, मतलब अलग अलग ग्राफिक कार्ड भी आपको अगर सिर्फ कार्ड चाहिए हाँ, वो भी मिलेगा। अगर आपको सिर्फ कार्ड भी चाहिए तो कार्ड भी अवेलेबल है, नया पुराना हर तरीके का, हर तरीके का। और चाहे आप अगर माइनिंग के लिए बनवाने तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भैया जी लगे पड़े हमारे, यहाँ माइनिंग सेटअप भी तैयार हो रहा है। माइनिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, इसी की वजह से ग्राफिक कार्ड आजकल महंगे हो रहे हैं, क्योंकि अलाउ ही नहीं है आजकल, मार्केट में मिल ही नहीं रहे हैं जी। चलिए भैया जी, तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है तो भैया यहाँ पे उसको फुल डिटेल सारी जानकारी अच्छे से देंगे, सभी कस्टमर को भैया एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो भैया जी खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, और पसंद आई शेयर सब्सक्राइब लाइक करो, और कोई भी कैबिनेट, कोई भी कार्ड, कुछ भी लेना है कंप्यूटर से मिलता जुलता कुछ भी, तो कॉन्टेक्ट करना है आपको कहाँ पे पता है, ये देखो इस चेहरे को याद रख लो सूरज टेक्नोलॉजी जी। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर है व्हाट्सएप पे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। 12 से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी कॉल भी कर सकते हैं।